निकली बप्पा की सवारी। नाच गा कर सभी ने की बप्पा के विसर्जन की तैयारी। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम के साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर हुआ था गणपति बप्पा का आगमन। 7 दिन तक बप्पा की खूब सेवा करने के बाद वक्त आया बप्पा को अगले बरस जल्दी आने के वादे के साथ विदा करने का। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर राजन शाही ने अपने शो की पूरी टीम के साथ मिलकर की बप्पा की आरती। बप्पा की भक्ति में डूबी नायरा यानी कि शिवांगी जोशी और पारुल चौहान नजर आईं खूबसूरत लाल साड़ी में। आरती के बाद अब वक्त था बप्पा को उनकी सवारी तक ले जाने का, जहां अपने हाथों में बप्पा को प्यार से थामे और जोर जोर से बप्पा के जयकारे लगाते हुए शिवांगी आगे बढ़ी। वैसे आपको बता दें कि बप्पा की सवारी बेहद ही शानदार है। 7 घोड़े और एक बड़ा सा रथ बप्पा को विसर्जन स्थान तक ले जाने के लिए तैयार किया गया है। बप्पा को रथ में बैठाने के बाद शिवांगी और पारुल ने बप्पा के कान में मांगी अपनी अपनी मन्नत। बप्पा की सवारी के आगे नारियल तोड़कर शुरू किया गया विसर्जन स्थल तक पहुँचने का सफर। अब बप्पा के भक्त खुद को नाचने से कैसे रोक पाते भला। शिवांगी, पारुल और बाकी सभी लोग बप्पा के गानों पर जमकर नाचे। नाच गाकर सभी ने किया बप्पा को विदा। मन में ये उम्मीद लिए कि बप्पा अगले साल और भी धूमधाम से आएंगे और थोड़ा जल्दी आएंगे। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।